Now I'm talking about biotechnological application in medicine. Biotechnology has made immense impact in the area of healthcare because of the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. तो क्योंकि ड्रग्स बना सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, बेनिफिट बहुत है. द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अनलाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज. करेंटली अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ओवर वर्ल्ड. इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बींग मार्केटेड. Now I'm talking about genetically engineered insulin. Insulin is produced by beta cell of Langerhans of pancreas. It is a hormone that controls the blood sugar level by converting glucose into glycogen. Deficiency of insulin causes diabetes mellitus. It is characterized by hyperglycemia, that is increased blood sugar, and glycosuria, that is excretion of sugar by kidneys. Earlier, patient of diabetes mellitus were treated with insulin which was extracted from slaughtered cattle and pigs, which sometimes cause allergies to the patients. To overcome this allergy response in diabetes patient, insulin was cloned in bacterial cell to produce pure form of biologically important hormone. It was the first human protein made by recombinant DNA technology. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chains. Chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. तो एली लिली जो अमेरिकन कंपनी है, उसने सबसे पहले दो डीएनए सीक्वेंस लिए थे, ए और बी चेन ली थी ह्यूमन इंसुलिन की. उसको इंट्रोड्यूस किया था प्लाज्मिड में एस्क्रेशिया कोलाई के इंसुलिन चेन को प्रोड्यूस करने के लिए. चेन ए और बी को अलग अलग प्रोड्यूस किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था. उसके बाद उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड एस बॉन्ड एस से जॉइंट करके ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया था. Now I'm talking about production of insulin. The step involved in the production of insulin are: in human, insulin is synthesized as a prohormone or proinsulin, which contain three chains A, B, and C, that is stretch of peptides. तो ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज किया गया है एज अ प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन, जिसमें तीन चेन होती हैं ए बी और सी, यानी कि स्ट्रेच ऑफ पेप्टाइड को सी बोलते हैं. This C peptide is removed during maturation of insulin while A and B chain are linked together by disulfide bridges. तो जब इंसुलिन मैच्योर हो जाता है, बन जाता है, तो C peptide chain को उसमें से अलग कर दिया जाता है, जबकि A और B chain है उनको आपस में disulfide bridge से लिंक कर दिया जाता है. Now I'm talking about gene therapy. The idea of gene therapy is genetic alteration of humans in order to treat a disease, that is by altering the genotype of a tissue or even genome of a whole human. तो जीन थेरेपी का आइडिया जो है वो जेनेटिक ऑल्टरेशन से आया ह्यूमन के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जीनोटाइप में चेंज करके टिश्यू के और इवन जीनोम में, पूरा ह्यूमन जीनोम में चेंज करके इसको किया गया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल थेरेपी एंड जर्मलाइन थेरेपी. तो व्हाट इज सोमैटिक सेल थेरेपी? इट मींस जेनेटिकली ऑल्टर्ड स्पेसिफिक बॉडी और सोमैटिक सेल्स सच एज बोन मैरो सेल, पैंक्रिया सेल एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू ट्रीट द डिजीज. दिस थेरेपी मे ट्रीट और क्योर द डिजीज. इट डज नॉट इन्वॉल्व जेनेटिक ऑल्टरनेशन ऑफ सेल, दैट इज डिजीज और चेंजेस आर नॉट पास टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो ये हमारी बॉडी सेल्स में ये थेरेपी होती है, और क्योंकि बॉडी की सेल्स को ही केवल चेंज किया जाता है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो पास नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में. वाइल द जर्म लाइन थेरेपी इन्वॉल्व द जेनेटिक ऑल्टरेशन ऑफ दो सेल, दैट इज स्पर्म सेल, स्पर्म प्रिकर्सर सेल, ओवा, ओवा प्रिकर्सर सेल, जाइगोट्स और अर्ली एम्ब्रियोज, दैट विल पास देयर जीन डाउन द जर्म लाइन टू फ्यूचर जनरेशन. तो जर्म लाइन थेरेपी में जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं. दस ऑल्टरेशन टू एनी ऑफ दीज सेल विल अफेक्ट एवरी सेल इन द रिजल्टिंग ह्यूमन एंड इन ऑल हिज और हर डिसेंट्स
एग्जाम्पल सीवर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशेंसी डिजीज SCID एक्सेट्रा आर द डिजीज विच आर सक्सेसफुली क्योर्ड थ्रू जीन थेरेपी। तो ये सारी जो थेरेपी है जैसे SCID, ये जीन थेरेपी के थ्रू सक्सेसफुली इनको क्योर किया गया है।